कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पटना। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? 4 बजे। 4 बजे पता नहीं। इधर जा रहे हो? भोपाल। सारे के सारे आप लोग भोपाल जा रहे हो? टिकट आसानी से बुक हो गई थी? हाँ जी, तो 4 बजे से बैठे थे। मैम मैं जा रहा हूँ छत्तीसगढ़। हाँ। टिकट कल बुक करी है? टिकट मैं कल बुक किया, बहुत ज्यादा रेट लगा। कितना रेट है? रेट लगा मेरे को 1975 रुपीज। पूरी रात नहीं सोई हुई खुशी के बारे की, मेरे को जाना है। आज रात की 9 बजे की ट्रेन है। 9 बजे की ट्रेन? हाँ, आप अभी से आ गए? हाँ, क्या करूँ, सवारी कुछ टैक्सी वैक्सी कुछ आ नहीं रही है वहाँ से। कैसा है लक्ष्मी नगर से यहाँ तक? बहुत बेकार है, कुछ नहीं। हम लोग बस पैदल ही आ रहे हैं। लक्ष्मी नगर से पैदल चल के आए आप लोग यहाँ पे? कुछ दूर चले और दिल्ली पुलिस सबसे बेकार है यहाँ के। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको? प्रॉब्लम बस यही हुई कि हम लोग रिक्शा से आ रहे थे तो रिक्शे वाले को रोक दिया, बोले कि अब ये तुम लोगों की जिम्मेवारी है, तुम लोग किसी भी तरह जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अलीगढ़ में फंसे हुए थे, अलीगढ़ से अभी यहाँ पे नाइट में। अलीगढ़ से कैसे आए आप? अलीगढ़ से तो बाय रोड आए थे, लिफ्ट लेते हुए पैदल चलते हुए थोड़ा बहुत। मैम मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ। अच्छा, और कितने टाइम बाद जा रहे हैं? अभी अलीगढ़ में फंसे थे? हाँ, मैं भी अलीगढ़ यूपी में था। बाय रोड आते आते हम लोगों को करीबन 2 से 2:30 बज गए थे रात, तब से हम लोग यहीं पे। अच्छा, आप दिल्ली में कहाँ पे रुके थे? यहीं पे मैम, इसके जो फुटपाथ पे रेलवे स्टेशन के सामने। वहीं आप वहीं रुक गए थे? मैंने हर चीज़ ट्राई करी पर कुछ नहीं मिला, तो जो मेरे पीजी में खाना देने वाला आता है ना रिक्शे वाला, उसने मुझे छोड़ा है। 15 मार्च को आए थे, 5 दिन काम किया और 21 मार्च को लॉकडाउन लग गया। हाँ। और जब से फंसे हुए हैं। क्या काम करने है? हम यहाँ मजदूरी मजदूरी करते मजदूरी करते हैं। जब कमाई नहीं हुई तो पैसा फिर कहाँ से आया? टिकट कैसे बुक किया? और देखो, मेरे भाई का स्कॉलर आया था, वो बीए फर्स्ट ईयर कर रहा है। हाँ। तो उसका स्कॉलर था कुछ 2-3 हज़ार रुपए। 2-3 हज़ार मैंने अपने फ्रेंड से लिए, तो इतने में हो गया। बिहार जाना है तो आप क्या सोचिए, इधर वेट करें क्योंकि बिना टिकट के तो अंदर नहीं जाने देंगे भैया? नहीं, जगह तो यही मरेंगे और क्या करेंगे, और कहाँ जाएंगे? गाड़ी सुनने की जाने वाला है दिल्ली से, इसीलिए आ गया जी। यहाँ आए तो ऑनलाइन करवाने गए तो कह रहा 3,000-4,000 लूँगा, तो कह रहा है करूँगा। हाँ। वो भी नहीं हो रहा है। और आप खुद क्यों नहीं बुक कर सकते? अपने नहीं करने आते ना? नहीं आता करना, स्मार्टफोन है आपके पास? है, वाकिर करने नहीं आता है। किधर जाना है आपको? पटना जाना। क्या करोगे क्योंकि बिना टिकट के तो? तो क्या करेंगे, यहीं रहेंगे, जितना दिन खाने का रहेगा मरना रहना तो यहीं मरेंगे। एकदम क्या करें, हम 84 बंदा पड़े हैं, कितनों में ब्याह 84 आदमी हैं। किधर हैं आप लोग? ये बसंत लाइन 15 में रहता हूँ, रंजीत राय कटरा गली में। अच्छा, मैं साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ, फोन बिहार भवन करते करते यहाँ केजरीवाल सरकार को नंबर जो देते हैं उस समय कहीं से कोई राहत नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे ट्रैवल एजेंट मांग रहे 3,000 रुपए जी, यहाँ 3,000 और 3,000। आपके पास स्मार्टफोन है, आप खुद बुक करके देखिए, कोशिश करिए। जी मैम, मुझे सैंपल मोबाइल चलाते हैं, उसमें भी बैलेंस नहीं पड़े हैं। खाने के लिए पैसे हैं तो बैलेंस कहाँ पड़ेंगे, ऐसे सैंपल मोबाइल रखे हैं। देखिए, ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए आधार कार्ड मांगे थे, आधार कार्ड भी लेके घूम रहा हूँ कि इससे हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। टिकट बुक हो गई आपकी? नहीं हुई। तो फिर आप कैसे जाएंगे? कुछ आइडिया ही नहीं मिलता, तो हम लोग पटना से यहाँ दिल्ली आए थे बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने 21 मार्च को। हाँ। और तब से हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए। अच्छा, तो क्या करें, घर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो यहाँ रहने वाले हैं नहीं, जॉब भी करते थे, समझ में आता जॉब कर रहे लोग, बट ऐसा कुछ तो है नहीं मैम। तो बिना टिकट के आप कैसे आ गए इधर, फिर कैसे होगा आपका? टिकट कटी ही नहीं मैम। हाँ नहीं, फिर तो आप मतलब आप जाएंगे कैसे? गवर्नमेंट तो कुछ करेगी ना मैम, ऐसे हम लोग को यहाँ बाहर के हम लोग हैं तो कुछ तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी ना मैम, इसी उम्मीद में आया मैं।
ग्लव्स पहनना है, फिर मास्क पहनना है, फिर वो ऐप है जो डाउनलोड करने के एक तो आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, अपना मास्क लगाना चाहिए, चीज़ों को टच नहीं करना है। और गाइडलाइन ये दी थी उसमें कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी ट्रेन में, और कैंटीन वगैरह सब बंद रहेगी, कंबल वगैरह की व्यवस्था भी नहीं होगी, यही सब बोला। और आपके बारे में पता है जो आप डाउनलोड करना है? हाँ। कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु। अच्छा, पहले से डाउनलोड किया है या अभी डाउनलोड? पहले से डाउनलोड है, एक हफ्ता एक महीना हो गया लगभग। क्या फ़ायदा है आपका? यही है कि वो जो भी संक्रमण होता है उसके पहले पता चल जाता है, 1 किलोमीटर है, 500 मीटर की दूरी है। काम आ रहा है? अबे अभी तक तो ऐसे ही है बस, उसका यूज है पता नहीं चला, पर अभी भी कोई भी दिखा नहीं ऐसा कोई। अच्छा। जब सरकार ने कहा कि आरोग्य सेतु नाम का भी एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड करके ये पता लगा सकते हो कि आपके आसपास कौन जिसको भी सर्दी खांसी बुखार या कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको तबीयत ख़राब है, वो अगर आप उसमें बताएं तो वो आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन हालांकि मेरे पास तो अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है।